फ्रिज के जो ये पार्ट्स हैं ये भी बहुत गंदे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मैं फ्रिज क्लीनिंग, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पे एक वीडियो बनाऊं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो मेरा फ्रिज जो है वो काफी छोटा है, तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि उसको मैं कैसे क्लीन करती हूँ और कैसे मेरे छोटे फ्रिज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ कि उसमें ज्यादा स्पेस बने और वो काफी ऑर्गेनाइज लगे। तो फ्रिज क्लीनिंग पे मैं इस बात पे ध्यान देने वाली हूँ, ज्यादा स्ट्रेस देने वाली हूँ कि कैसे जो फ्रिज में एक ओडर या फिर एक स्मेल आती है, बैड स्मेल, उसको आप कैसे हटा सकते हैं। दूसरा, जो फ्रिज के साइड में जो रबर होता है ना, जहाँ पे काफी काला काला इकट्ठा हो जाता है, आप उसको कैसे साफ कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे मैंने बताया, हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि फ्रिज में, छोटा फ्रिज होने के बावजूद जो फ्रिज है उसमें हम स्पेस कैसे बढ़ाएं और छोटे फ्रिज को भी कैसे पूरी तरह से हम यूज कर सकें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप फ्रिज क्लीनिंग का सोच रहे हैं तो जो बेस्ट टाइम है जब आप पूरे फ्रिज को डीप क्लीन करें वो है जब आपको आपकी जो फ्रिज में सब्जियां हैं, जो खाना है, वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाए। तो उससे क्या होगा, सामान निकालने में और फ्रिज को साफ करने में ज्यादा इजी रहेगा। चलिए, आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ माय फ्रिज लुक्स राइट नाउ। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो सब एरिया है ये काफी गंदा हो गया है, तो चलिए आज इसको साफ करते हैं। फ्रिज को मैंने पहले ही डिफ्रॉस्ट कर लिया है, तो अभी सारा सामान इसका एक एक करके निकालेंगे। तो सामान निकालने के बाद मेरा फ्रिज कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये है मेरा सारा फ्रिज का सामान जो बाहर निकाल दिया है। तो अभी एक एक करके हम फ्रिज के अंदर के सारे ट्रेज और जो भी कंपार्टमेंट्स हैं उनको निकाल लेंगे। और इस पॉइंट पे फ्रिज को मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। ट्रेज हमने निकाले हैं, उसको हम धोएंगे। तब तक मैं फ्रिज में ये बेकिंग सोडा, खाने का सोडा डाल रही हूँ ताकि फ्रिज के अंदर की जो सारी स्मेल है वो निकल जाए। तो अभी जो सारे ट्रेज हैं उनको मैं एक एक करके वॉश कर लूँगी। यहाँ पे जो मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ वो बहुत पुराने वाला स्क्रब है, तो इससे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखना। या तो आप पुराना कोई स्क्रब यूज़ करिए या फिर जो प्लास्टिक वाले स्क्रब आते हैं आप उनकी हेल्प से विम लिक्विड यूज़ करके आप इन सारे ट्रेज को एक एक करके धो लें। और इन ट्रेस को काफ़ी ध्यान से धोना है क्योंकि इसमें काफ़ी प्लास्टिक होता है या फिर कुछ कांच के भी ट्रेस होते हैं, तो उसमें स्क्रैचेस या फिर हाथ से स्लिप होने का डर रहता है और टूटने का डर रहता है, तो थोड़ा केयरफुली इसको आप हैंडल करिए। अब इन ट्रेस को आप ऐसे ही छोड़ सकते हो सूखने के लिए या फिर किसी कपड़े से आप इसको वाइप कर सकते हो। मैं यूजुअली इनको वाइप कर लेती हूँ बिकॉज मेरे जो यहाँ पे बहुत हार्ड वाटर आता है तो उसकी वजह से इनमें स्टेन्स पड़ जाते हैं। फ्रिज के अंदर का साफ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वापस से ये पुराना, बहुत पुराना स्क्रब है ताकि इसमें निशान ना आए। आप प्लास्टिक वाला भी यूज़ कर सकते हो, एक गीला कपड़ा, और मैं विम से साफ करने वाली हूँ। और मैंने लिया है ये बकेट में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा इसमें स्क्रब में विम डाल के इसको निचोड़ के उसको हम धीरे धीरे साफ करने वाली हूँ। फ्रिज के जो ये पार्ट्स हैं ये भी बहुत गंदे होते हैं, इनको भी मैं स्क्रब से या फिर आप चाहो तो
किसी पुराने टूथब्रश से भी साफ कर सकते हो। और ये जो है यहाँ पे डॉट डॉट, ये एक्चुअली कॉकरोच मारने की दवाई डाली हुई थी हमने। अभी जब फ्रिज मैंने सारा साबुन से विम लिक्विड से एक बार साफ कर दिया है, इसके बाद मैं ले रही हूँ एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा। तो पहले मैं गीले कपड़े से साफ करूंगी, फिर मैं उसके ऊपर सूखे कपड़े से उसको साफ करूंगी। गीले कपड़े से साफ करने के बाद अब मैं इसको एक बार सूखे कपड़े से पूरा फ्रिज साफ कर रही हूँ। अब जब पूरा फ्रिज साफ हो गया है तो जो भी ट्रेज और कंपार्टमेंट्स हैं इनको वापस से लगा लेंगे। तो मेरा फ्रिज अब पूरा साफ हो गया है, अब इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जो मेरा फ्रिज है वो पूरा क्लीन हो गया है, अब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज छोटे फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मेरे पास छोटे छोटे बास्केट्स हैं, ये बहुत जरूरी है ताकि मैं जो छोटे फ्रिज का जो एरिया है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकूं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन से ऑर्गेनाइजर्स हैं। ये है मेरे पास सब्जी के लिए तीन छोटे छोटे टोकरियां। एक्चुअली ये जो है, ये तीन जो है ये इसके अंदर आए थे, इसके अंदर मतलब ऐसे पार्टीशन के लिए, पर मैंने इनको डिफरेंट कर दिया है। तो इनको मैं सब्जी के जो बास्केट है उसमें डाल देती हूँ, तो ये एज अ पार्टीशन डिफरेंट सब्जियों को रखने में काम आता है। नेक्स्ट है मेरे पास ये ऐसी छोटे छोटे बास्केट, ऐसे कलरफुल से ऐसे इस तरह के। ये सारे बास्केट्स मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते हैं, बिल्कुल महंगे नहीं है और बहुत ऑर्गेनाइज कर देते हैं आपके फ्रिज को। तो ये ऐसे बास्केट्स हैं जिसमें छोटे मोटे सामान रखने के लिए मैं फ्रिज में यूज करती हूँ। जैसे इसमें मैंने पूरा मसाला रख दिया है, एक पूरा, तो इसको निकालो, मसाला यूज करो, वापस रखो। ये है थोड़ा चीज वगैरह रखने के लिए जो लूज मेरे पैकेट से जो यूज बाद में होने हैं। ये वाला जो बास्केट है इसमें मैंने रखा है क्योंकि अभी मॉनसून का टाइम है तो काफी कीड़े लग जाते हैं सामान में, तो ये है जिसमें मैंने जैसे इसमें रखा है लाल मिर्च, ये शायद चावल या फिर मैदा है ओपन, थोड़ा सेविया सूजी, ये केक डेकोरेशन के कुछ चॉकलेट्स वगैरह। तो ये इसमें डाल के इसको आप आराम से बंद कर लो, इसमें हैंडल है इजी निकालने के लिए रखने के लिए। और है मेरे पास ये एक छोटा सा चीज या आप कह सकते हैं बटर रखने के लिए, अब इसको निकाल के यूज करके वापस ऐसे रख दीजिए, देखिए इसमें ऐसा। चलिए अब इनको फ्रिज में सेट करते हैं। सो दिस इज हाउ माई फ्रिज लुक्स। यहाँ पे है फ्रीजर, इसमें मलाई, फ्रोजन चीज़ें, नीचे है चिलर, यहाँ पे मैं जनरली दूध के पैकेट्स वगैरह रखती हूँ। सबसे ऊपर का रैक है मेरा दूध रखने का या फिर जो छोटे मोटे सब्जियाँ वगैरह बच जाती हैं वो रखने का। फिर नेक्स्ट में है ये तीन बास्केट फ्रूट्स वगैरह या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। ये है स्टोरेज के लिए, यहाँ पे है एक्स्ट्रा जो लूज चीज़ वगैरह रहते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं दिखाया बटर का केस। फिर यहाँ पे है मेरी सब्जियाँ रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र। इस साइड डोर पे है फ्रूट जूसेस, मायो, केचप,
और यहाँ पे है ये दूध, इन केस कभी यू नो दूध नहीं आता है तो मैं ऐसे छोटे टेट्रा पैक सकती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। ये जैसे मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, कड़ी पत्ता सुखा के मैंने रखा है। और यहाँ पे है सारे ब्रेड के स्प्रेड्स, पीनट बटर, न्यूटेला, ये जैम्स। और ये ब्यूटी एंड केयर है, इनर ब्यूटी के लिए यहाँ पे मैंने रखा है जिंजर। और ये है मेरे एग्स। सो फाइनली दिस इज हाउ माई फ्रिज लुक्स। छोटू सा है फ्रिज मेरा, बट इट्स वेरी फंक्शनल। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दिस पार्ट, यहाँ तक एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए और लाइक करिए अगर पसंद आया है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहेंगे मेरे चैनल पर। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो मिलती हूँ दोबारा आपको एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।